आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो आप सबको सबसे पहले नवरात्रि की ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदा बनी रहे आप सबके ऊपर, आप सबकी फैमिली पे। और जल्दी से ये कोरोना जाए 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 जल्दी से, पता नहीं कोरोना जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलिए हमने सोचा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह का टाइम हो रहा है, हम नहा धो के हो गए रेडी, क्योंकि अभी हमें करनी है पूजा। तो घर में सब लोगों ने नहा लिया, नहा धो के हो गए रेडी, हम भी नहा धो के हो गए रेडी। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन में ही भगवान जी रखे हुए हैं, तो वहीं चलते हैं। तो जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चलते हैं और पूजा कर रहे हैं। जोर से बोलो। आज के वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक बात जरूर बोलेंगे, आज की वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी भगवान जी के बर्तन साफ, क्योंकि मैंने मंदिर तो पहले से ही साफ कर दिया था और घर की भी पूरी सफाई हो गई थी, क्योंकि बिना सफाई के पूजा करने में मन भी नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पे भगवान जी को भी नहला देते हैं, माता रानी को स्नान करवा दिए हैं और आज हमने लड्डू गोपाल जी के लिए भी न्यू ड्रेस निकाली हुई है, तो न्यू कपड़े पहना दिए, स्पेशल डे पे स्पेशल कपड़े पहनाए हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। अभी यहाँ पे मैं कलश तैयार कर रही हूँ माता रानी का, तो उसमें मैंने पानी भर लिया है कलश में और एक साइड यहाँ पे मैं शांतियाँ बना दूंगी और दूसरी तरफ ना त्रिशूल बना दूंगी, कि माता रानी के कलश में दोनों बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे रुद्राक्ष भी मेरे पास में ही बैठा हुआ है, क्योंकि उसको मैं अकेले नहीं छोड़ती हूँ, अकेले छोड़ दो तो फिर बच्चे हैं ना वो उल्टा सीधा काम करने लग जाते हैं, तो वो भी मेरे साथ बैठा रहता है। और यहाँ पे मैंने कलश स्थापित कर दिया है, उसके ऊपर नारियल रख दिया है, कलश पे मैंने ना रक्षा सूत्र बांध दिया है। बोलते हैं ना जैसे औरत का गला कभी खाली नहीं रहना चाहिए, वैसे कलश को भी खाली नहीं रखना चाहिए, तो उस पर रक्षा सूत्र बांध दिया है। अभी यहाँ पे पूजा चल रही है, तो ये भी इनकी मीटिंग चल रही थी इसलिए पूजा में शामिल नहीं हो पाए, फिर हमारी जैसी पूजा खत्म हुई इनकी मीटिंग खत्म हो गई थी, तो ये भी आ गए थे पूजा में। वही है ना, मेरे मुझे ज़्यादा कुछ तो आता नहीं, जो भी रहता है थोड़ा बहुत कर लेते हैं। भगवान को तो भक्ति चाहिए आती है, आप जैसे भी करो उनको तो सब चीज़ में प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी आ गए थे, जब मैं थोड़ा सा पूजा के बाद हवन जरूर करना चाहिए, मन को शांति मिल जाती है और घर में शांति मतलब कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे छोटा सा हवन कर लिया है। ये देखिए पूजा हमारी ख़त्म हो गई है, माता रानी की पूजा हो गई है, तो अभी पेट पूजा की बारी आती है। पेट पूजा कर लेते हैं क्योंकि बहुत तेज़ लगाई है। फिर रुद्रांश की क्लास भी है, तो 11 बजे क्लास चलेगी आज, उसकी थोड़ी क्लास लंबी चलेगी क्योंकि मैम ने बोला है। आज नाश्ते में है मूंग दाल की ना बड़ी बनाई हुई थी, तो उसको मट्ठे में डाल दिया है, तो जो मट्ठे वाली रहती ना वो बनाई हुई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो चलिए अब हम लोग खा लेते हैं, फिर उसके बाद रुद्रांश की क्लास स्टार्ट करवाएंगे। उसको मैंने दे दिया था, उसने फ्रूट खा लिया रुद्रांश ने, तो ये है हम दोनों का। ये देखिए बेटू आओ, मज़ा आ गया। गर्मी का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो कुछ ठंडी सी चीज़ मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। रुद्रांश की क्लास खत्म होने के बाद उसका मैं अभी होमवर्क करवा रही हूँ, क्योंकि ना मैम ने बहुत सारा होमवर्क दिया हुआ है ड्राइंग वगैरह करने के लिए। बच्चे को थोड़ा सा ऐसा थोड़ी ना है कि भाई 2-5 मिनट में हो जाता है, टाइम लगता है उनके साथ, घंटे 2 घंटे बैठना पड़ता है जब जाके वो अपना काम कर पाते हैं। तो ये देखिए इन दोनों ने, मैं साफ सफाई करने में लगी हुई थी, इन दोनों ने टॉवल वगैरह कहाँ कहाँ रखी हुई थी, दोनों सोफे पर पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे ये रुद्रांश ने ना पूरे घर में फूल तोड़ तोड़ के फैला दिए थे, तो मैंने कहा इनको झाड़ू लगाते थे, फिर पैर के नीचे आते हैं फूल वगैरह तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने अभी पूरे घर में एक बार और झाड़ू लगा ली है, और झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि वो यहाँ ना खाने का डिसाइड नहीं हो पा रहा था क्या बनाया जाए। फिर इनसे पूछा तो बोल रहे थे सब्जी बना लो आलू की, उनका सब्जी बनाइए तो फिर पूड़ी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आलू की सब्जी और पूड़ियाँ बनाई हुई हैं। तो बस यही था, सादा सिंपल लंच था हमारा, सादा सिंपल मतलब यही बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि फास्ट तो है नहीं हम दोनों का, फास्ट नहीं रखा हम दोनों ने, रखते भी नहीं है नवरात्रि में हम लोग नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मस्त गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं, ये भी आ गए हैं, ये अपना खाना निकाल रहे हैं, मैं बनाते जा रही हूँ। नहीं हम
हमारा इनका भी फास्ट नहीं, मेरा भी फास्ट नहीं, नवरात्रि में हम फास्ट नहीं रखते हैं, फास्ट तो है नहीं और फास्ट रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी अभी बॉडी के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, तो फास्ट कोई भी नहीं रखे। जो भी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले खाते रहें, पानी पीते रहें, शरीर में जो एनर्जी वाली चीज़ें वो लेते रहें जिससे कि इम्यूनिटी ठीक हो। तो मैं तो नहीं रखती हूँ फास्ट, जो भी फास्ट रखता है तो प्रॉपर अपना ध्यान रखें और टाइम टेबल पे खाना पीना, जो भी फल फ्रूट जो भी खाना चाहें वो खा रहे हैं तो प्रॉपर टाइम पे लेते रहें जिससे कि बॉडी में कभी वीकनेस नहीं हो, क्योंकि कोरोना अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हाँ, एक चीज़ और याद आई मुझे, मैंने ना अपना चैनल का नेम चेंज कर दिया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और मैं राजपूत फैमिली के नाम से बहुत सारे चैनल थे तो मैंने थोड़ा उसके आगे ना दी कर दिया है, तो दी राजपूत फैमिली वो है ना, बहुत सारे लोगों के इस नाम से चैनल थे तो मेरा ना चैनल सर्च नहीं होता था, इसलिए मैंने उसके आगे दी और जोड़ दिया है। मुझे ये चीज़ शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, 3-4 दिन पहले ही चेंज किया है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को भी तो सब चीज़ पता।